प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जोहू पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, यस सर। एक मिनट। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। अरे मालवीय रोड पर ऐसे लोग क्यों जमा हुए हैं, और ये ट्रैफिक जैम करके गरबा आंदोलन करने वाली औरतें कौन है? हम यहाँ संसद में औरतों को आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं, और वहाँ औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। सच क्या है पता लगाओ। सर वो औरतें साड़ी वाले के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आई थी। हाँ। लेकिन उनके पास बिल नहीं था सर। तुम अभी के अभी भाटियावाड़ी पहुंचो और वहाँ मामला शांत करो, जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी करो। यस सर। पर कानून व्यवस्था बिगड़ने मत देना, समझे? फौरन जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। चले कदम, अरे निकाल जल्दी, चल। बोल सुंदर। हेलो माय डियर सिंधिया जी, ये टीवी पर रीटा रिपोर्टर क्या दिखा रही है? अरे तेरे टीवी में आवाज उड़ के आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है? अरे तेरी बहन उधर घर पर आंदोलन कर रही है। अरे जीजा जी, इसमें सब प्रॉब्लम आपकी याददाश्त का है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में ऐसा बोल। शादी के वक्त सात फेरे लेते हुए आपने बेना को क्या कहा था? कि हर पल हर सुख दुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ये गरबा आंदोलन चल रहा है तो आपने बेना का साथ क्यों छोड़ा? अरे भाई, तेरी बहन कब क्या करेगी वो तो उसकी कुंडली लिखने वाला विधाता भी नहीं जान सकता, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उधर गरबा आंदोलन करने वाली है? अरे गरबा आंदोलन करके मेरी बहना ने बहुत सही किया है। अन्याय के सामने आवाज उठाना चाहिए, अन्याय के सामने लड़ना चाहिए। अरे मेरी माँ का आशीर्वाद मेरी बहना के साथ है, ये पूरा जमकुड़ी महिला मंडल मेरी बहना के साथ है। मैं अपनी बहना के साथ हूँ। अरे पूरा अहमदाबाद मेरी बहना के साथ है। अरे मेरी बहना ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पर मैं आपको पूछता हूँ कि मेरी बहना को ये आंदोलन करना क्यों पड़ा? अरे भाई, मैंने तेरी बहन का मना किया था कि सेल से साड़ी मत खरीद, लेकिन नहीं,
उसका शौक है साड़ी खरीदने का। तो क्या मेरी बहन साड़ी का भी शौक ना रखे है? तो जीजा जी आप एक काम करो है, हर हफ्ते आप मेरी बहना को एक नई साड़ी दिलाते रहो तो मेरी बहना का साड़ी का शौक छूट जाएगा। अरे जीजा जी आपको भी एक शौक है ना जलेबी फाफड़ा खाने का, हर संडे के संडे जलेबी फाफड़ा खाते हो, तो क्या वो शौक आपने छोड़ दिया? अरे भाई तो मेन बात क्या, चल हो गई सब बात, ये फोन रख मुझे भाटियावाड़ी पहुंचना है। जीजा जी आप मेरी बात सुनो, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूँ। भाई तुझे अगली पिछली किसी फ्लाइट से मुंबई आने की जरूरत नहीं है, एक मुसीबत है दूसरी मुसीबत की जरूरत नहीं है इधर। क्या कहा? मतलब भाई तू इधर पहुंचेगा तब तक ये गरबा आंदोलन खत्म हो गया होगा, इसलिए तेरी आने की जरूरत नहीं है। चलो अभी फोन रख मुझे पहुंचना है, लेट हो रहा है, चलो भाई जरा जल्दी चलो भाई। क्या लगता है इस गरबा आंदोलन में जीत किसकी होगी, इनकी या फिर इस दुकानदार की? हाँ हाँ जीत इनकी होगी, हार तो दुकान वाले की होगी। धन्यवाद। बताइए क्या आप अन्याय के खिलाफ हो रहे इस गरबा आंदोलन में इन औरतों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तब तक खड़ी रहेंगी कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता? हाँ हाँ हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है दया, ये लोग लाइव दिखा रहे टीवी पे, ये रिटायरी पूरी दुनिया देख रही है, देख तुझे न्याय मैं ला के दूंगा भाई। न्याय टप्पू का पापा, ये हमारी लड़ाई है और हम ही लड़ेंगे। हाँ जेठा जी, हम औरतें हमारा हक लेकर ही रहेंगे। अरे नट्टू काका, अरे नट्टू काका ये क्या दुकान छोड़ गए थे, ढोल बजा रहे आप? अरे सेठ जी मैं क्या करता, अचानक दुकान में शैतान जी का फोन आया कि नटू का अभी ढोल लेके आ जाइए, तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। अभी यह सेठ हुक्म दे रहा है ढोल अभी का भी बंद करो। ढोल बंद नहीं हो सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे हाई कोर्ट का खुद नहीं चलता। सॉरी नटू काका। प्लीज सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी प्ले ढोल। अंजलि अंजलि ये क्या हो रहा है? गरबा। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ऐसे सड़क पे गरबा। अच्छा जी, जब मैंने फोन किया था तब तो कहा था आपके पास टाइम नहीं है और अब आए हो। कहा था अंजलि अपना तरीका खुद ढूंढो, तुम इंडिपेंडेंट हो। अरे पर ये कैसा तरीका हुआ भाई? कुछ भी हो जाए ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। अरे मान जाओ ना प्लीज अंजलि। काय चाललंय ए माधवी? अरे माधवी माधवी मेरी बात सुनो माधवी। अरे ये काय चाल रही है, कौन सा तरीका आंदोलन करने का तुम्हारा? तुम्हें बात सुनो, मुझे गरबा करने दो। अरे ये गरबा करने से क्या होने वाला है, देखो हम लोग अंदर जाके बात करते हैं ना उनसे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें ये आंदोलन करने दो। अरे लेकिन ये ऐसे तालियां बजाने से थोड़ी ना आंदोलन होता है। अरे ऐको तो सही माधव। रोशन मेरी जान, और ये क्या गरबा आंदोलन कर रही है तू? और एक बार मुझे फोन तो किया था। रोशन मैं अगर तुझे फोन करती तो तू अभी जेल में होता। मैं क्यों जेल में होता यार? क्योंकि तू इधर पे आता, इधर आके मारा मारी करता और फिर तुझे पुलिस जेल पे ले जाती। और पुलिस मुझे बाद में जेल लेके जाती, पहले ये दुकानदार है ना हॉस्पिटल पहुँच जाता। हाँ बाबू जी, दया मेरी बात नहीं मान रही है, अभी आप ही समझाइए इसे। बहू ये क्या कर रही हो? बापू जी आप ही हमेशा कहते हो ना कि सच के लिए जान की बाजी लगा दो, तो आज मैं सिर्फ पाँव की बाजी लगा रही हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ बापू जी? अरे बहू पाँव बाजी ठीक है, लेकिन तेरे पाँव में छोले पड़ जाएंगे।
काले पड़ जाएंगे। अरे भोले छोले बन साहब बापू जी, आज आप भी हमें साथ दीजिए और आशीर्वाद देके हमारे हौसला बढ़ाइए बापू जी। ठीक है, थैंक यू बापू जी। विजय बाबा मेहता साहब अभी क्या करे इसका? ये पता नहीं यार, इन औरतों का जोश देख के तो लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है। इनको रोकना तो भ्रष्टाचार रोकने जैसा नामुमकिन है। अरे सेल वाले से चल के बात करते हैं यार। अरे मेहता साहब, मैंने पता कि उससे बात कैसे करनी है। देखो अभी। अरे थोड़ी थोड़ी, अरे पूरी पिक्चर कार्टून में भी कुछ नहीं आ रहा। ओ, अब तक ये पुलिस क्यों नहीं आई? मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। देखिए दर्शकों, ये है वो व्यापारी जिन पर गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने उन्हें डिफेक्टिव साड़ियाँ दी। जी हाँ, डिफेक्टिव साड़ियाँ देने के अलावा इन्होंने अब उन साड़ियों को बदलने से इनकार कर दिया है और ना ही उनके पैसे वापस लौटाने को ये तैयार है। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। बोलिए। मम्मी देखो, पापा टीवी पर आ रहे हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। बाहर ये जो गरबा आंदोलन चल रहा है ना, वो सारी की सारी महिलाएं मुझे फंसाना चाहती है। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे पास से पैसे निकलवाना चाहती है। मम्मी ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटरों से मिली हुई है वो लोग। मम्मी प्लीज मुझे जल्दी पापा के पास ले चलो। चल चल। मुझसे पैसे निकलवाना चाहती है बोलो। ओए तेरी तो। हमारे गोकुलधाम की भोली भाली औरतों पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाता है। देखो लाइव देखो आप लोग, ये महिलाओं के मर्द देखो कैसे खुले आम गुंडागर्दी करती। देखो अरे अरे छोड़ो। अरे ओए, ये गुंडागर्दी नहीं है, तुम्हारी धोखाधड़ी के खिलाफ गुस्सा ही हमारा। और नहीं तो क्या, हमारी बीवियों के साड़ी के पैसे वापस दो और चुपचाप माफी मांगो। 1000 रुपए फटाफट। काय के पैसे, काय की माफी मांगो। है वो लोग ने साड़ी यहाँ से खरीदी नहीं है, समझे ना? ओए तू ऐसे मानेगा नहीं, तेरा तो हुलिया भी टाइट टाइट कर नहीं रहूंगा। मार 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 सोड़ी, मार सोड़ी। समझने की कोशिश कर सोड़ी, कैमरा चालू है, लाइव चल रहा है हमारा न्यूज सोड़ी। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पे मारामारी का केस हो जाएगा पुलिस के, समझ यार तू? छोड़ रहा बेटा। अरे क्या मेहता साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मार सोड़ी, मार। अरे क्या मार, अरे सोड़ी समझ। अरे क्या मार, उधर कैमरा चालू है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और ये व्यापारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो आइए अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों का गरबा क्या रंग लेकर आया है। चलिए साहब, ये आदमी तो बड़ा ही निर्लज्ज निकला। सही कह रहे हो भिड़े, और इसकी बेशर्मी को देखते हुए तो लग रहा है कि हमारी बीवियां जो ये कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, अब हम सबको मिलके ना अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सोड़ी तुमने। आइए मेहता साहब, हम अपने अपने बीवियों के साथ गरबा खेल के उनका साथ दें। चलो चलो। दादाजी मैं अभी अंदर जाकर उस दुकान वालों को सबक सिखाता हूँ। नहीं टपुड़ा, ये लड़ाई हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से जीतनी है। तेरी बंद हो दुकान, बेईमान डोगिया, बेईमान डोगिया, सत्यवान डोगिया,
ये देखो कब से परेशान कर रखा है इन्होंने हमको। ये साड़ी वाले को पकड़ लीजिए। तमाशा कर रहे हैं कब से दुकान के बाहर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आई आई पुलिस साहब, ये साड़ी वाले को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ गिरफ्तार तो करेंगे ही, कानून जो तोड़ा है। बिल्कुल, और कानून तोड़ने वाले को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कीजिए इन्हें। गिरफ्तार कीजिए, पकड़ा तो ले पकड़ा। समझते क्या है अपने आप? गिरफ्तार ये नहीं आप सब होंगे। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, चीटिंग हमने उनके साथ नहीं, उन्होंने हमारे साथ की है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमने क्या किया? आप इस आदमी को पकड़िए। आपके पास इनके खिलाफ ना कोई बिल है ना सबूत। और कानून सिर्फ सबूत देखता है, अंडरस्टैंड? सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करना यह कानूनन अपराध है, यह आपको शायद नहीं पता है। हम तो सत्याग्रह कर रहे थे भाई। इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने यहाँ गुंडागर्दी की, इनको डराया और धमकाया है। चलो बैठो गाड़ी में। चलो चलो बाबूजी कुछ बोल रहे। हाँ बाबूजी बोलो। ए भाई ए, पुलिस गुनेगार को सजा देने के लिए होती है और तुम हम निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। कौन निर्दोष है और कौन गुनेगार, इसका फैसला अदालत करेगी। हम सिर्फ सबूत को देखते हैं। चलो चलो बैठो। चलो बैठो घर में। हम मासूम है पुलिस साहब। अरे कोई समझाइए इनको, टप्पू के पापा जरा कहिए। कितने शर्म की बात है, एक शिक्षक को जेल जाना पड़ेगा। ए भाई ए, हम लोग भी जेल जाएंगे तो वो भी गर्व की नहीं शर्म की बात है। हाँ यार पीड़ू। हाँ बराबर है। तो मैं तो ऐसा कुछ कीजिए अभी। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल, कानून के आगे हम सब लोग मजबूर हैं। पहले गरबा आंदोलन, अभी जेल भरो आंदोलन। ये तो गलत है ना, ये तो ये पुलिस की दादागिरी है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। क्या कह रहे हो जेठालाल, ध्यान से देखो, वो कोतवाल साहब है और हमें डांट रहे हैं। मेरा मतलब है उल्टा कोटवाल चोर को बचा के हमको डांटे। सेठ जी, हम दोनों जेल में जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? ये इंस्पेक्टर साहब। अरे खड़े क्या हो, चलो बैठो बैठ में। चलो चलो अभी सब लोग चलो। क्या गोकुल धाम सोसाइटी के तमाम निवासी पुलिस हिरासत में? भाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष ही तो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी अपनी ड्यूटी निभाई। आप संघर्ष करें लेकिन बगैर इजाजत के आप सड़कों पे इस तरह से प्रदर्शन करने लगे, धरने लगाने लगे, ये तो कानून व्यवस्था हाथ में लेने जैसी बात हुई ना। वैसे जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शहर बंद का ऐलान करती है तब जुर्माना तो उन पे भी लगता है, लेकिन आम आदमी कहां जाए, क्या करे न्याय पाने के लिए? उसके पास नारे लगाने के सिवाय कोई काम नहीं होता। वो प्रदर्शन कर सकता है, अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर कर सकता है। और किसी ने ठीक भी कहा है, अगर न्याय आपको वक्त पे न मिले तो वो किसी अन्याय से कम नहीं है। जैसे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया, लंबित है मामले सालों से वर्षों से, लोग जवान से बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। इसे ठीक करना चाहिए। अगर मेरे देश के कर्णधार, मेरे देश के नेता, जिन्हें माला पहनने से, स्वागत करवाने से फुर्सत नहीं है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो आम आदमी के बारे में सोचिए जरा। इस देश की न्याय व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक कीजिए ताकि हमें भी न्याय मिल सके। लेकिन इस वक्त
यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी आपको क्या लगता है ये लड़ाई जीत पाएंगे? जीत किसकी होगी, झूठ की या सच की? क्योंकि इस वक्त पलड़ा साड़ी वाले का भारी लगता है, टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ ठाकों पे अटेंशन कीजिए। हंसाने के लिए हमें देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए पुलिस हमारा क्या हल करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।